CAA पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा परमाणु हमले की धमकी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जिस देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो, अल्पसंख्यकों को तंग किया जाता हो और उन्हें हिंदुस्तान की शरण लेनी पड़ती हो, उस पाकिस्तान को भारत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए गए विवादास्पद बयान की अनिल विज ने निंदा की है। विज ने कहा कि बेहद बदतमीज किस्म के लोग राजनीति में आ चुके हैं। इस देश में आग लगाना चाहती है और कोई मौका नहीं छोड़ती है। झूठ बोलकर लगाना चाहती है। इन्होंने झूठ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रखी है जहाँ पर नए नए झूठ बनाए जाते हैं। जो CAA है वो कहीं पर भी आम हिंदुस्तानियों को, चाहे वो किसी धर्म जात क्षेत्र के हों, प्रभावित नहीं कर रहा। लेकिन ये झूठ बोल बोल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि देश में आग लगनी चाहिए, देश में दंगे होने चाहिए, देश में खून खराबा होना चाहिए। इमरान खान को हिंदुस्तान की सोचने की बजाय अपने देश पाकिस्तान की सोचनी चाहिए, जहां पर मानव अधिकारों का इतना उल्लंघन हो रहा है, जहां पर तंग होकर अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान की शरण लेनी पड़ रही है, तो पाकिस्तान को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। नहीं वो तो शुरू से ही, जब से देश का बंटवारा हुआ और जितने मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए, उनको वहां पर आदर पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एक बयान में भारत के नागरिकता कानून को एशिया का बड़ा शरणार्थी संकट बताया है। इमरान ने इस बात पर भारत में परमाणु युद्ध की धमकी भी दी है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इमरान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो, अल्पसंख्यकों को तंग किया जाता हो, उस पाकिस्तान को भारत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए इमरान खान अपने देश के बारे में सोचे। विज ने कहा कि जब जब हिंदुस्तान के मुस्लिम पाकिस्तान गए, उन्हें कभी पाकिस्तान ने आदर मान सम्मान नहीं दिया। अम्बाला से न्यूज के लिए कृष्णा बाली की रिपोर्ट।